श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, या ये कहें कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जनता ने राष्ट्रपति आवास के बाद अब प्रधानमंत्री के घर में भी डेरा डाल लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश की आर्थिक बदहाली की आग में झोंक कर भाग गए हैं, जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा है। राष्ट्रपति आवास पर पहले ही आम लोगों ने कब्जा जमा लिया था, वहीं अब जनता ने पीएम के घर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच गए और टीवी चैनल पर कब्जा कर लिया। खबरों के मुताबिक देश में सुरक्षा बल तैनात हैं और पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ आम जनता का टकराव भी हुआ है। श्रीलंका में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। श्रीलंका से भाग निकले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी मुसीबत में दिख रहे हैं। उन्हें मालदीव ने शरण देने से इनकार कर दिया है। राजपक्षे खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले श्रीलंका में बिजली, भोजन, ईंधन तक का संकट गहरा गया है। ऐसे में महंगाई और दवाओं की कमी ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। हालांकि श्रीलंका में तबाही की ये कहानी नई नहीं है। 2020 में कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ ही श्रीलंका में आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस साल के अप्रैल में हालात तेजी से बिगड़ने लगे और जल्द ही हालात नियंत्रण से बाहर चले गए। इसी महीने श्रीलंका सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तब राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा को अलग रखा गया था। इसके एक दिन बाद ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान किया गया है। इसके बाद कोलंबो में हंगामा और बढ़ गया है। जनता के आक्रोश को देखते हुए कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका की जनता हर रोज आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। श्रीलंका लगातार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि श्रीलंका के हालात कब तक पटरी पर लौटते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।